अब हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर है थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इन प्रीवियस चैप्टर हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? दिस इज गिवन चार्ज क्यू, दिस इज सराउंडिंग एरिया, दिस स्पेस और रीजन इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देयर विल बी मैनी पॉइंट्स इन दिस फील्ड। सपोज वी टेक ए पॉइंट हियर। नाउ इफ वी पुट वन कूलम चार्ज एट दिस पॉइंट, देन दिस चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? उस फोर्स एक्सपीरियंस किए गए फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्लियर? तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए फोर्स, बट दिस इज कंडीशनल फॉर यूनिट चार्ज। बाकी तो किसी भी चार्ज के लिए लगेगा तो उसको हम फोर्स ही बोलेंगे, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यह बात हमारे पास प्रीवियस चैप्टर में थी, बट इन दिस चैप्टर वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखिए, वी टेक ए पॉइंट एट इंफिनिटी, दिस इज पॉइंट एट इंफिनिटी, एंड वी ब्रिंग वन प्लस वन कूलम चार्ज। अब वन कूलम चार्ज लाकर के हम यहां इस पॉइंट पर लाएं, ठीक है? तो दिस इज इंफिनिटी पॉइंट एट वेयर वी कंसीडर प्लस वन कूलम चार्ज। यदि वन कूलम चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आए तो देखिए दिस इज दिस चार्ज इज प्लस और ये भी प्लस है। तो फिर जैसे ही हम फील्ड में आएंगे तो फिर वन कूलम चार्ज एक्सपीरियंसेज ए फोर्स और हमें उतना ही फोर्स काउंटर बैलेंस करके और उसको इस पॉइंट के ऊपर लाना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए? सपोज दिस पॉइंट इज ओ एट वेयर चार्ज क्यू इज सिचुएटेड, दिस पॉइंट इज पी। तो फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? इस वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो फिर फोर्स को यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए किए गए वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। नाउ यू कैन डिफाइन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सुन लीजिए कैसे हम डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अंडर कंसिडरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडर कंसिडरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट देयर इज कंडीशन कि यहां देयर इज नो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं, देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट
positive charge from infinity to the point under consideration in electric field. क्या लिखा? From infinity to the point under consideration in electric field without change of its kinetic energy is called electric potential. क्लियर? तो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो फिर मैं एक बार फिर से इस डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं जिसका मीनिंग आपको समझ आ जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द वर्क डन, इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन है किसके लिए? इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाए? फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक लाए जिसको हमने कंसिडर किया है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंफिनिटी टू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट देयर इज ए कंडीशन। व्हाट इज कंडीशन? विदाउट चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाए तब उसकी काइनेटिक एनर्जी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहा है उतना ही फोर्स हम ठीक उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए लगाएं, लेकिन उसके हम जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी को या उसकी वेलोसिटी को हम चेंज ना करें, तब उस केस में किए गए वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? तो अब आप ये डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। नाउ सपोज दिस इज गिवन चार्ज एट पॉइंट ओ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग टू दिस चार्ज विद एट ए पॉइंट बी इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? नाउ दिस इज इंफिनिटी पॉइंट। सपोज देयर इज टेस्ट चार्ज क्यू। अब टेस्ट चार्ज क्यू नोट को इस पॉइंट तक लाने के लिए यदि वर्क डन डब्ल्यू करना पड़े, ठीक है, तो फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो फिर डब्ल्यू को डिवाइड कर दें किससे? क्यू नोट से। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए, इफ वी पुट चार्ज क्यू नोट एट हियर, बट इफ वी मूव टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, देन वर्क डन इज टू बी सपोज डब्ल्यू, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज? तो फिर फॉर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट वर्क डन टू बी डब्ल्यू, देन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क डन दिस इज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फॉर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट वर्क डन टू बी कितना डब्ल्यू, तो फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पोटेंशियल V इक्वल, दिस इज इक्वल W डिवाइड बाय Q नॉट, क्लियर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि Q नॉट के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है W, फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल W अपॉन Q नॉट, क्लियर। इस तरीके से आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन हो गया, इसको नोट कीजिए। नाउ वी टेक सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नंबर फर्स्ट, फार्मूला क्या बना था? फार्मूला था V इक्वल W अपॉन में क्यू नॉट, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्यू नॉट मीन्स चार्ज विच इज ऑल्सो स्केलर, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इज ए स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड, नेक्स्ट बात क्या है, देखिए V इक्वल W अपॉन क्यू नॉट, सो व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क इज मेजर्ड इन जूल, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलाम, सो दिस इज जूल पर कूलाम, बट कलेक्टिवली इट इज सेड टू बी वोल्ट। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जूल पर कूलाम या वोल्ट? तो द SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज जूल पर कूलाम और वोल्ट, क्लियर। नो इफ we have to find out CGS unit, so in CGS work measured in arc and charge is measured in, charge is measured in stat coulomb, so we can write stat volt. So CGS unit of electric potential, stat volt, clear? Next, what is dimensional formula? So dimensional formula of electric potential, again वर्क इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जूल अपॉन कूलाम, जूल एनर्जी N1 L2 T-2 डिवाइड बाय एटी चार्ज इन द SI डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज एटी एम्पीयर इनटू टाइम, सो कलेक्टिवली वी कैन राइट एज N1 L2 T-3 एंड A-1, so this is dimensional formula of electric potential. By using this formula you can find out dimensional formula of electric potential, clear? So there are some important facts about electric potential. Now if we want to define 1 volt, so what will be 1 volt? तो सपोज कीजिए कि कोई 1 कूलाम चार्ज इंफिनिटी पे है
उसको किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए यदि 1 जूल काम करना पड़े, तो फिर वो जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो 1 वोल्ट कहलाएगा। वी कैन राइट इफ इफ वर्क W इक्वल 1 जूल एंड Q नॉट इक्वल 1 कूलम, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो वी कैन राइट V इक्वल W अपॉन में Q नॉट, तो V इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलम, दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये किसकी डेफिनेशन बन गई? ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन बन गई कि इफ वी ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देन रिक्वायर्ड वर्क डन टू बी 1 जूल, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। इस तरीके से हम इस 1 वोल्ट को मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? नाउ वी टेक अनदर कंसेप्ट, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पहले इसको अंडरस्टैंड कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दिस इज एक पॉइंट चार्ज Q, दिस इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस चार्ज। नाउ वी टेक 2 पॉइंट A एंड B, क्लियर? वी टेक 2 पॉइंट A एंड B इन दिस फील्ड एंड देयर इज प्लस 1 कूलम चार्ज। इफ वी ब्रिंग प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, then the required work done between these points is said to be electric potential difference। मतलब 1 कूलम चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, उस काम को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो क्लियर हो गई होगी ये बात? इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से, इस पॉइंट से कहां तक, इस पॉइंट तक जो काम करना पड़ा लाने के लिए, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो फिर एक बात और है, सपोज यदि हम क्यू नोट चार्ज को फ्रॉम ए टू बी लाएं और तब तक हमें डब्ल्यू ए बी वर्क करना पड़े, तो फॉर 1 कूलम वर्क डन विल बी डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू नोट, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? So, this will be formula of potential difference. Then, what is definition of electric potential difference? देखिए, it is defined as the work done in carrying a unit positive charge from 1.2 another point in the given electric field
in the given electric field without change of its kinetic energy, comma, is called electric potential difference between these points. Clear? Simple सी बात है. Required work done in bringing or carrying a unit positive charge. कहां से? From one point to another point. किसमें? In the given electric field. What is condition? Without change of its kinetic energy. So, the amount of work done for this unit positive charge will be potential difference. Clear? तो अब आप ये definition में फिर से पढ़ देता हूं. Electric potential difference. It is defined as the work done in carrying a unit positive charge from one point to another point in the given electric field without change of its kinetic energy is called electric potential difference between these points. क्लियर? तो फिर क्या फार्मूला बनेगा? तो फिर फॉर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज चार्ज क्यू नॉट work done to be WAV. ठीक है. तो फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज work done or electric potential difference क्या कहेंगे? VAB. तो what is formula? WAB upon Q naught. This is formula of potential difference. You can note it. This is definition of electric potential difference. कीजिए नोट. Now how can you write potential difference in terms of electric potential? But here we can some important facts about electric potential difference. Number first, देखिए क्या electric potential difference is also a scalar quantity. क्लियर? ऐसा यूनिट सेम ही है. किसकी? वोल्ट. द SI यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट. ठीक है. एंड CGS यूनिट स्टेट वोल्ट. Now dimensional formula.
फॉर्मूला सेम ही है, कितना था m1 l2 t माइनस थ्री ए माइनस वन। क्लियर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास आता है, वो ये आता है कि हाउ कैन यू राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सपोज दिस इज ए पॉइंट चार्ज क्यू, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, दिस पॉइंट इज ऑफ चार्ज क्यू, वी टेक हियर पॉइंट ए एंड एट दिस पॉइंट इज बी। नाउ यू कैन राइट एज ए एंड बी पॉइंट, और सपोज दिस इज इनफिनिटी। If we bring plus 1 coulomb charge from infinity to point A, then the amount of work done will be electric potential at A. So, this will be electric potential A. When we bring plus 1 coulomb charge from infinity to A. But, if we bring plus 1 coulomb charge from infinity to the point B, then the amount of work done will be electric potential at A. So we can write as this is electric potential at B. यहां हमने electric potential की definition को जो है वो use किया है, infinity to से यहां तक लाने में कितना work done करना पड़ा VA, infinity से plus 1 coulomb charge को B तक लाने में कितना work done करना पड़ा VB। लेकिन यदि हम प्लस वन कूलाम चार्ज को फ्रॉम ए टू बी लेकर के जाते हैं, तब हमें कितना वर्क डन करना पड़ता? इन दिस सिचुएशन यू कैन सब्ट्रैक्ट, तुम घटा सकते हो इसमें वी बी में से वी ए को। सो वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी। How can you define it? WAB upon Q naught. Clear? But in terms of potential, this is equal to VB minus VA. So what is this? This is electric potential difference. What is this? This is electric potential at B, or this is electric potential at A. Then the difference of these potentials will be potential difference. इस तरीके से हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसको भी आप नोट कीजिए। बट हियर वी टेक ए कंडीशन। कंडीशन क्या है? सपोज पॉइंट ए सिचुएटेड, पॉइंट ए सिचुएटेड एट पॉइंट, एट दिस पॉइंट एट इंफिनिटी। तो फिर मैं यहां लिख रहा हूं, देखना, इफ द पॉइंट पॉइंट ए इज सिचुएटेड सिचुएटेड एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, देन हाउ कैन यू राइट this statement? Then we can write as V infinity to V, क्योंकि A कहां चला गया? Infinity पे चला गया। A point कहां चला गया? Infinity पे। तो V infinity V equal W infinity V divided by Q naught equal, this will be VV, VB. But point A is situated at infinity. In this situation, there will be no work done for this point. क्यों? क्योंकि ये point वहीं पर पहुंच गया। तो in this situation, VA will be zero. So VA equal zero. Then VB equal V infinity V
equal W infinity B upon Q naught. It means potential जो है वो electric potential ही होता है, potential difference ही होता है. यदि A point यहां चला जाए तो उस situation में ये electric potential की definition बन जाएगी potential difference से, कौन से point के लिए? B point के लिए. So we can say that electric potential is electric potential difference. But there is no agential key. Potential difference to be electric potential. जरूरी नहीं कि electric potential difference क्या हो, जो है electric potential ही हो. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या हो सकता है, वो पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है. क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में डिफाइन कर दिया ऐसे. तो इन जनरल वे फॉर एनी पॉइंट वी कैन राइट एज पोटेंशियल वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू. तो किसी भी पॉइंट के लिए हम जनरल वे में पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे लिख सकते हैं. चलिए, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा, फिर इसी फॉर्मूले से मैंने अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास में ये दो टर्म हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इनको आप नोट कर लीजिए. थैंक यू.